और मुंगेली जिले में आगर और मनियारी नदी का कहर अभी थमा भी नहीं है। इधर जिले की छोटी नदी रहन ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि रहन नदी किनारे बसे घरों को आनन फानन में प्रशासन ने खाली कराया है। वहीं जल तांडव से कई कच्चे मकान भी गिर गए हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जरहा गांव है, और जहां राशन दुकान बाजार हाट से लेकर पशु चिकित्सालय परिसर में लबालब पानी भरा हुआ है। और नदी किनारे बसे किसानों के खेतों में सप्ताह भर से पानी भर गया है, जिससे भारी पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। ज्यादा बाढ़ आ गए हैं, एकर से दर्जन भर किसान के खेत खलिहान नुकसान हो गए हैं। हमारा सरकार से उम्मीद है कि हमारा उचित मूल्य मुआवजा देके हमार समस्या हल करे। जो रहन नाला है वो काफी भयानक स्तर पर अभी भी बाढ़ बना हुआ है। प्रभावित लोगों का जो है उनका भी समुचित ढंग से पहले से सज्जित किया गया था, और उन लोगों की रहने की व्यवस्था जो है पंचायत के द्वारा सामुदायिक भवन में और शासकीय प्राथमिक स्कूल में स्थित किया गया है। दौरा किया गया जिससे प्रभावित लोगों से मुलाकात किया गया, जिसमें कई लोग बेघर हो गए हैं। उनसे उनके सहयोग के लिए हम शासन और प्रशासन से निश्चित तौर पर मांग करते हैं और मांग करेंगे कि इनको जो प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनको मुआवजे के रूप में और उनके जो घर टूटे हुए हैं उनको निर्माण के रूप में उनका सहयोग। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में संवाददाता रोहित कश्यप जुड़ गया है। रोहित, बाढ़ प्रभावित लोगों को किस तरह की राहत दी जा रही है, क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? कहना चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह से जिले में लगातार बारिश हुई है, जिसके चलते जो जिले की जो प्रमुख नदियां हैं आगर और मनियारी, इसके अलावा छोटी नदियां रहन नाला है या अन्य जो नदी है और नाले वो उफान पर है। अभी भी स्थिति जो कहते हैं, हालांकि राहत की बात ये कि बाढ़ में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान जो आम लोग हैं, किसान तबके के लोगों को उठाना पड़ा है, क्योंकि किसानों के जो खेतों में है सप्ताह भर से पानी भरा हुआ है। एक तो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी वो वहाँ भरा ही हुआ है, और बाढ़ का जो पानी वो भी पहुँच गया है, जिससे उनका जो फसल है पूरी तरीके से नुकसान हो गया है। किसानों की इस बात की चिंता सता रही है कि जिस तरीके से हमारी जो फसल की जो नुकसान होगी उसकी भरपाई वैसे ही होगी तब तो ठीक है, वरना उनके सामने अब जिस तरीके से मौसम और फिर इधर बारिश दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा इस बारिश में और इस बाढ़ में कई लोग घर से बेघर भी हो गई है, कई जो लोगों के जो कच्ची दीवारें थी वो भी टूट गई है, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर हमने देखा कि बाढ़ में हजारों लोग फंस गए थे। प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और इन्हें सामुदायिक भवन या पंचायत भवनों में प्रशासन की ओर से ठहराया गया है। इनके लिए प्रशासन के द्वारा ही भोजन और अन्य जो जरूरी सुविधाएं है वो उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अब जो बेघर हो गए हैं लोग, उनके लिए वो लोग अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन की ओर से हमारी जब कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो घर टूटे हैं वो नुकसान हुआ है और जो फसल बर्बाद हुई उसके लिए एक टीम तैयार की गई है, वो जो टीम है वो आकलन कर रही है कि किस तरीके से किसका नुकसान हुआ है, और उसी आधार पर फिर राज्य शासन को मुआवजे के लिए मांग भेजी जाएगी। उसके बाद फिर तो रोहित, कुल मिलाकर देखा जाए तो सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और साथ ही जो मुआवजे की मांग है उसको लेकर भी काम जारी है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।